Hi guys, this is Jar and you are watching Work at Our Job Helpfulness. Guys, jobs इतनी ना अपॉर्चुनिटी रहती है कि पूछे ही मत, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। इतना काम, इतनी जॉब्स जो है हम लोगों के द्वारा आती है कि जेन्युइन बंदा काम करने वाला चाहिए। वैसे तो सुबह शाम कितना कॉल्स आता है और कितना बंदा ज्वाइन होता है और कितना टिक के एक जगह जम के काम करता है, वो तो 2-3 महीने के बाद ही पता चलता है। तो गाइस, आपके लिए एक और अच्छी जॉब्स, उसमें भी हो सके तो लक आजमा लीजिए। तो फ्रेंड्स, होने वाली है जॉब्स प्रमोशन की, प्रमोटर की जॉब्स। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना के यूट्यूब पर अपने जो है डाल रखी है। हम लोगों का 70-80 जो है परसेंट जो है ऑल सब कुछ प्रमोशन के ही चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है प्रमोटर डालना, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट को, आइटम को प्रमोट करना स्टोर में, हाइपरमार्केट में, सुपरमार्केट में, डीमार्ट में या फिर मेट्रो में, वही जो है प्रमोटर का वर्क है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। पूरा देखने के बाद ही कॉल करें, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ कॉल नहीं करें। तो गाइस, जॉब्स होने वाली है प्रमोशन की। ये जॉब्स जो मैंने ऑलरेडी 6-7 महीने पहले डाली थी, बहुत ही अच्छी रेपुटेड कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून ऑयल की। फॉर्च्यून ऑयल जैसा नाम सुना होगा आपने, मैंने पहले भी डाला था 6-7 महीने पहले। बीच में जो है इसमें पूरा फुल हो गया था, चल रहा था। अभी जो रिसेंटली वापस जो वैकेंसीज निकली है इसमें फॉर्च्यून ऑयल बोले तो, ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ इस टाइप का जो रहता है उसका, इसमें प्रमोशन का काम, प्रमोटर का काम मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। ओनली फॉर एक्सपीरियंस और सॉरी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है, प्लस ओनली फॉर जो है जो लोकल वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए है। कहने का मतलब है जो लोकल में ऑलरेडी जो रहे हैं बंगाल, उन लोगों के लिए, आउट ऑफ स्टेशन वालों के लिए नहीं है। रीज़न कि इसमें खाना और फूड और रूम फ्री नहीं है, ये अच्छा जॉब्स रहता है। इन सब में जो रूम फूड फ्री नहीं रहता है, तो मेल या फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। एज लिमिट 18 से 25 लास्ट। इसमें लोकेशन येलंका हेबाल HSR लेआउट, JP नगर, जे नगर, इन्हीं सब लोकेशन में अभी वैकेंसी है। अब प्रमोटर का काम बता दूं मैं कि क्या रहता है, कि कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट जो रहता है ना, वो कभी मान लो डंप हो जाता है या नहीं निकलता है, या फिर उसका सेल डाउन हो जाता है मार्केट में, तो कंपनी क्या करती है कि उस प्रोडक्ट को हाइपरमार्केट, सुपरमार्केट या फिर कहीं पे जो उसको प्रमोट करती है, प्रमोट बोले तो उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करवाती है आदमी के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा। तो वही सब काम रहता है। देखते नहीं कि जो जो नई नई पिक्चरें बनती है, फिल्में बनती है, उसका भी जो आजकल प्रमोशन होता है, कौन सा भी लाइक कपिल शर्मा शो हो गया, उसमें जो है कोई भी फिल्म आ गई तो उसमें जो है एक्टर्स वगैरह जो जाते हैं वहाँ पे अपने फिल्म का प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो वही सब चीज रहती है। या फिर कोई नया प्रोडक्ट या नई जो है आइटम आता है मार्केट में, उसकी कंपनी क्या करती है, प्रमोशन करवाती है, प्रमोट करवाती है। अब अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम रहता है प्रमोशन का, प्रमोटर का, लेकिन जो मेन उद्देश्य रहता है उनका यही रहता है कि उसको कस्टमर के सामने लाए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें उस प्रोडक्ट के बारे में, मेन काम वही रहता है उनका। तो गाइस, ये होने वाला है फॉर्च्यून ऑयल का। सैलरी 13,000 से लगाकर 15,000, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को 15,000, नॉन एक्सपीरियंस फ्रेशर को 13,000 स्टार्टिंग सैलरी, प्लस ESI PF आपका जस्ट 1 महीने के बाद ही चालू हो जाता है। इसमें अच्छी जॉब्स रहती है ये सब। हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में अभी मेरे अंडर में जो है, आप नहीं नहीं मान के चलिए, 100-200 लड़की काम करती है इसमें। बहुत बड़े बड़े हाइपरमार्केट सुपरमार्केट में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि कोई एक साबुन चाहिए तो हम लोग साबुन लेता अपने हिसाब से जो हम लोग डेली यूज करते हैं, तो कोई लड़की और लड़का वहाँ पे जो खड़ा रहता है वो बोलता है सर ये साबुन लीजिए, देखिए इसमें यह है, बहुत अच्छा है, इसका जो यूज करने से आपको ये बेनिफिट होता है। वही सब काम रहता है। आपको जिस प्रोडक्ट का प्रमोट करना रहता है, उस प्रोडक्ट का जो सामान जहाँ लगा रहता है वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, या फिर आपको वहाँ खड़ा रहना रहता है। उस प्रोडक्ट की ब्रीफिंग होती है, उसके बारे में जो पूरा का पूरा वो प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग में जो है समझाया जाता, बोला जाता, आपको जो है व्हाट्सअप कर दिया जाता कि ये बोलना रहता कस्टमर को, और कुछ अपने मन से भी बोल सकते हैं सेल के बारे में, उस प्रोडक्ट की बेनिफिट क्या है,
उसको कैसे बेचें, उसका यूज करने से क्या फायदा है, आपके बॉडी में क्या इफेक्ट करेगा, वो सारा का सारा क्लाइंट को, कस्टमर को समझाना रहता है। जैसे कि कोई ऑयल का पैकेट लेना आया तो हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं ऑयल वही लेते हैं जाके, तो आपका क्या काम काम रहेगा वहां पे कि जो आपका कंपनी का ऑयल है ना वो उसको बताना रहता है कि सर देखिए ये वैसा ऑयल है, इसमें अच्छे सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको यूज करेंगे तो आपका जो बॉडी में जो कैलेस्ट्रॉल कम होगा, या फिर आपके बॉडी में जो शुगर बीपी थोड़ी कम होगी, जो मतलब कहने का मतलब है ऐसी कुछ ब्रीफिंग रहती है कंपनी के द्वारा, जो उसमें ऑयल में खासियत रहती है ना वही उसको बताना रहता है, उतना ही काम रहता है। इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू रहता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू रहता है, कोई भी कैंडिडेट्स अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे अपना पहले रेज्यूम भेजा, रेज्यूम भेजने के बाद आपको ब्रीफिंग भेजी जाएगी, वो ब्रीफिंग को थोड़ा अच्छे से याद कीजिए ब्रीफ, फिर आपको टेलीफोन से फोन से ही जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा, क्या 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 सब किया याद है, नेक्स्ट डे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक जो है रिक्वायरमेंट रहता है इसमें। जैसा कि लोकेशन मैंने बताया था 3 से 4 लोकेशन में अभी जो वैकेंस वैकेंट है इसमें, मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है इसमें। टाइमिंग 9 घंटा ड्यूटी रहता है इसमें, 9 घंटा सुबह 10:30 से लगाकर 7:30 तक टाइमिंग रहता है इसमें। एवरी फ्राइडे वीक ऑफ रहता है, हर फ्राइडे को इसमें छुट्टी रहती है, गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं रहता इसमें, और ये सारी जॉब्स रहती है जेन्युइन जॉब्स रहती है। हमारे यहाँ मतलब लड़के लोग ऐसी ऐसी भी जो है 18-18 हज़ार सैलरी उठाती है कंपनी की तरफ से। आज इसमें क्या 6 महीना के बाद कोई अच्छा कंपनी आया, ITC हुआ, डाबर हुआ, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है कैंडिडेट्स जाता है हम लोगों के द्वारा। तो गाइस ये प्रमोशन का वर्क काम है, मेल फैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। लोकेशन मैंने आपको पहले बताया, फिर भी एक बार बता दूं, येलंका, हेबाल, जयनगर, JP नगर, HSR लेआउट और अत्तीबेले, इन सब एरियाज में जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड रहता है वो कर सकता है मुझे कॉल और भेज सकता है अपना रिज्यूम। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी जॉब है आपके लोगों के लिए, फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी मंगलोर में रह रहा हो। लैंग्वेज हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु। हिंदी कंपलसरी आना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए। इसके अलावा अगर हिंदी इंग्लिश नहीं आता तो लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो गाइस जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे व्हाट्सएप पे रेज्यूम भेजने के बाद हाई सर आई एम इंटरेस्टेड इन प्रमोशन वर्क फॉर्च्यून ऑयल करके टाइप करके भेजे, नहीं तो कॉल कर सकते हैं आप। कॉलिंग का टाइम मैंने हर वीडियो में मेंशन कर देता हूँ कि सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक ही कॉल करें। 5 बजे के बाद आप जानबूझ के कॉल करते हैं तो आपका फोन नहीं रिस्पॉन्स दिया जाता है। काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि रात के 12 बजे भी कॉल करते हैं, रात के 1 बजे कॉल करते हैं, सुबह 5 बजे कॉल करते हैं, पता नहीं कि जो है एनीवे। तो गाइस अच्छा हेल्पफुल वीडियो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, उनके कुछ काम के बारे में हेल्प मिल सके। तो गाइस हमेशा की तरह ये जॉब्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, बिना किसी चार्जेस के। हम जो है लूटने वाला काम नहीं करते हैं, हम लोग फ्री में जॉब दिलवाते हैं, दिलवाते थे और दिलवाते रहेंगे। ट्रस्ट के नाम पे जो लोग लूटते हैं ना मुझे, हम लोगों को पता है कितना सारा कैंडिडेट्स का कॉल्स आता है, वो मैं एक बार आपको वीडियो बना के प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे लूटते हैं वो लोग। तो क्या इस लूटने का काम यहाँ पे नहीं है, आपको जेन्युइन जॉब मिलती है, जो बोला जाता है वो होता है। कभी कभी हो जाता है बाई चांस कि क्लाइंट के द्वारा ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को दिखाए कुछ और जाता है। हम लोग जब कंपनी में विजिट करते हैं ना कि लड़का लोग चाहिए, तो हम लोग कंपनी में जाते विजिट करते हैं कि क्या फैसिलिटी देगा, काम कैसा रहेगा, देखने के लिए जाते हैं, तो हम लोगों को उतना नहीं दिया दिखाया जाता पूरा। लेकिन जब आप काम पे जाते हैं, काम करते हैं, 26 दिन काम करते हैं, तब आप लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में क्या है वहां पे। तो आप लोगों के द्वारा ही हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी कैसी है, तो वो छोटी मोटा चलता रहता है। आज इस कंपनी में जो है, नहीं तो दूसरी कंपनी में, तो वो छोटा मोटा चलता रहता है। हर कंपनी एक जैसी नहीं होती, कहीं पे पेमेंट का इश्यू आएगा तो कहीं का आपको टाइमिंग का इश्यू आएगा, तो कहीं पे आपका जो है सैलरी का इश्यू आएगा, तो कहीं पे काम का इश्यू आएगा। तो छोटा मोटा तो इश्यू चलता रहता है। तो गाइस रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलिए। हाँ कुछ अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आपका पेमेंट होल्ड जाता है, महीना 2 महीना पेमेंट नहीं दिया जाता है, या फिर 8 तारीख को बोल के 20-25 तारीख तक पेमेंट नहीं दिया जाता, तो वैसी कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं आप लोगों के लिए, सॉल्व करते हैं। आप कभी भी 24 आवर्स जो भी बंदा
ऑलरेडी काम पे लग चुका है, उन लोगों के लिए 24 आवर्स मेरा नंबर चालू रहता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने पर फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और झूठे के झांसे में ना पड़े, लुटवाने के चक्कर में नहीं पड़े गाइस। तो हम लोग हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छा लगे, तब तक के लिए बाय बाय।